नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं शिवानी। होली के दिन बिहार के मधुबनी जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के बाद बिहार के राजनीति में हलचल मच गई है, जिसके बाद नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर उनके प्रशासन में हो क्या रहा है। वहीं विपक्षी द्वारा नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके बचाव में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस घटना को देख रहे हैं और दोषी किसी भी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, बिहार में स्थिति में जो मधुबनी कांड हुई बहुत ही दुखद है और हर हालत में अपराधी भी पकड़े जाएंगे और उन परिवार वालों को भी मदद हर तरह की सरकार करेगी। जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद है और खुद बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी सभी बेहद संवेदनशील हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मंत्री नीरज सिंह बबलू जी को सबसे पहले वहां भेजा था और जो स्थिति को लेकर के नीरज सिंह बबलू जी ने स्वयं वहां के डीएम एसपी से बात की है और इस सरकार में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। प्रशासनिक लापरवाही की बात सर सामने आ रही है, लोग भी वो जांच का विषय है। अगर प्रशासन की लापरवाही हुई है तो जरूर उस पर सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई तो दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24 और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। धन्यवाद।